कंकैटिनेशन ऑपरेटर के बारे में। कंकैटिनेशन ऑपरेटर एंड से शुरू होता है। कंकैटिनेशन ऑपरेटर क्या करता है, जैसे हमने ये ले लिया, एक टेक्स्ट ले लिया, कंकैटिनेशन ऑपरेटर लगाया, दूसरा टेक्स्ट ले लिया, फिर कंकैटिनेशन लगाया, तीसरा ले लिया, डिफरेंट डिफरेंट सेल वैल्यू को एक ही सेल में आपको दिखा देगा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। और इसमें अगर कोई भी चेंजिंग होती है तो डायरेक्ट इंपैक्ट इस पे पड़ेगा। अब हमें देना है बीच में स्पेस इसमें। अब स्पेस के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये ऑपरेटर क्या है कि एक टेक्स्ट को दूसरे से जोड़ता है, तो इसमें दूसरे से जोड़ रहा है, हम स्पेस देना है, तो हम इन्वर्टेड कॉमास के बीच में स्पेस देंगे, या कोई भी टेक्स्ट हम देते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में देते हैं डायरेक्ट हमें जब देना होता है। फिर एंड का साइन लगा दिया मैंने, देन मुझे क्या करना है, सेकेंड टेक्स्ट के बाद यहां पे भी स्पेस देना है, फिर एंड का साइन, तो बीच में एक स्पेस आ गया मेरे। ये कंकेटिनेशन ऑपरेटर है, और इसी तरह से कंकेटिनेट का एक फॉर्मूला भी है। कंकेटिनेट आप टाइप करेंगे, उसमें क्या होता है, पहला आपको टेक्स्ट देना है, फिर कॉमा के बाद बाकी टेक्स्ट देते जाइए, सेम काम करेगा। इसमें अगर आपको स्पेस चाहिए तो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में स्पेस, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में स्पेस, फिर कॉमा। तो ये कंकेटिनेट जो है, ये आपका फॉर्मूला है, और ये ऊपर वाला कंकेटिनेशन जो है आपका ऑपरेटर है। अब स्टार्ट करते हैं अपने लॉजिकल फॉर्मूला, जिसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे। पीछे से गाने सुनाई दे रहे हैं, प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए। कौन गा रहा है? पता नहीं, कोई बच्ची गा रही है का पता नहीं, कोई लेडी गा रही है पता नहीं। अच्छा, तो हम लॉजिकल फॉर्मूले की बात कर रहे थे, फॉर्मूला में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला टाइप के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बेसिकली इस पर ध्यान नहीं जाता किसी का। तो चलिए लॉजिकल फॉर्मूले की बात करते हैं। यहाँ पे लॉजिकल फॉर्मूले में हमारे पास एंड, फॉल्स, इफ, इफ एरर, नॉट और ट्रू, ये कुछ फॉर्मूले हैं। सबसे फेमस फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं, वो है इफ फॉर्मूला। इफ फॉर्मूला को देखते हैं पहले हम। सबसे बड़ी बात, जब इन फॉर्मूलों को हमें यूज करना होता है, हम जैसे इक्वल टू प्लस करेंगे, इफ टाइप किया, तो ये लिस्ट मेरे सामने आ जाती है, जिसको मैं माउस, ये अपने एरो की से नेविगेट कर सकता हूं। अब जैसे मैं इफ में हूं, इफ का चालू करना है मुझे, टैब प्रेस करूंगा, तो कीबोर्ड से टैब प्रेस करते ही ये फॉर्मूला मेरा कंप्लीट होके ब्रैकेट स्टार्ट कर देगा। अब यहां पे देखिए कुछ हमारे को हिंट दिखाता है इसमें, स्क्रीन टिप में। पहला होगा लॉजिकल टेस्ट, फिर देन कॉमा, फिर वैल्यू इफ ट्रू, फिर कॉमा, वैल्यू इफ फॉल्स। अब देखिए, जो वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स जो लिखा हुआ है, इसके आगे एक बड़ा ब्रैकेट है। बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है ये वैल्यू ऑप्शनल है, दे मत दे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला जो लॉजिकल टेस्ट है, लॉजिकल टेस्ट जो है हमारा लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू होता है, जो कि ट्रू फॉल्स में रिजल्ट रिटर्न करते हैं। जैसे मैंने कर दिया 20 इज लेस देन
30, ये हो गया लॉजिकल टेस्ट कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करती है तो क्या होना चाहिए? मैं दूंगा, यहां पे मैंने 30 लिखा है जहां, जबकि मेरे को रेफरेंस देना है, ये रेफरेंस। तो अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करती है तो मैं इसमें लिखूंगा सेकंड वैल्यू इज ग्रेटर, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखूंगा जब भी हमें टेक्स्ट देना होता है। वैल्यू ऑफ फॉल्स में लिखूंगा फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर। अब देखिए जो ये स्क्रीन टिप आती है हमारे पास, इससे हम देख सकते हैं कि हमने हर एक पैरामीटर में क्या क्या वैल्यू दिया है। लॉजिकल टेस्ट में क्या दिया है, वैल्यू इफ ट्रू में क्या दिया है, वैल्यू इफ फॉल्स में क्या दिया है। यहां से कई बार हम बड़े फॉर्मूले लगाते हैं तो ये पहचानना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सी चीज हमने क्या दे दी, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको कैलकुलेशन देखनी है कि कैलकुलेशन क्या कर रहा है ये, तो आप अपने कीबोर्ड से जब भी आप इसको क्लिक करेंगे या सिलेक्ट कर लेंगे, इनको ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से जब F9 प्रेस करेंगे तो आपको रिजल्ट यहां पे दिखा देगा ये, मतलब वो छोटी सी कैलकुलेशन जो आपने सिलेक्ट की होगी उसका रिजल्ट कैलकुलेट करके आ जाएगा। पर इसको कभी एंटर मार के आगे ना बढ़े, क्योंकि आपके एंटर प्रेस करते ही ये वैल्यू फिक्स हो जाएगी, उसने रेफरेंसेस को छोड़ दिया, कैलकुलेशन को ले लिया। तो जब भी इस तरह से बाहर आना हो तो आप एस्केप करके जाएं। एक्चुअली मैंने पूरा फॉर्मूले में डाला ही नहीं था। तो हमारा था सेकंड वैल्यू इज ग्रेटर एंड फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर, स्मॉलर फर्स्ट सेकंड सेकंड केस में होगा ना ये, अगर वैल्यू फॉल्स होती है तो। ये हमारे पास आपको जो आपने डाला होगा वो रिजल्ट दिखा देगा, पर अगर आपको खाली ट्रू फॉल्स से ही काम चल जा पाए तो आपको इफ एल्स इफ का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट दे दें क्या ये लेस देन है इससे, तो आपको ट्रू फॉल्स में वैल्यू पता पड़ जाएगी। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर इंडिविजुअली काम करते हैं और इस तरह के फॉर्मूले जो ट्रू फॉल्स रिटर्न करते हैं आपके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और डेटा वैलिडेशन में, इसी तरह के फॉर्मूले चाहिए होते हैं जो कि ट्रू फॉल्स रिटर्न करेंगे। ठीक है जी, तो इफ के फॉर्मूले का ये काम है, वो खाली इवेल्युएट करता है, मतलब इवेल्युएशन के बेस पे रिजल्ट देता है। अब इसके बाद हमारे पास दो फॉर्मूले हैं यहां पे, और एंड एंड। अब ये क्या करते हैं? सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी बताइए। ये जो आपने सेकंड वाला ये ट्रू करा है तो अपने आप मतलब आ गया, आपने जो इक्वल करके लगाया सेकंड वाला जो ट्रू वाला फॉर्मूला यूज करा है। हाँ जी हाँ जी हाँ, ये आ गया, अपने आप ही ट्रू फॉल्स दे देगा ये। हाँ जी, ये एक्चुअली यही कंफ्यूजन होती है, लोग सोचते हैं कि खाली ट्रू फॉल्स का फॉर्मूला, ट्रू फॉल्स जो है इफ का फॉर्मूला ही रिटर्न करेगा, पर एक्चुअल में इसके अंदर जो हम लॉजिकल कंडीशन देते हैं ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करती है। तो जरूरी नहीं कि हम इफ का फॉर्मूला यूज करें, हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं ये इस तरह की जो भी कर सकते हैं। और एक डाउट है, इधर आप क्लिक कीजिए सेकंड वैल्यू इज ग्रेटर देन उसमें। हाँ जी, इसमें जो फॉर्मूले में आता है ब्रैकेट जो आप लिखा है वो एपोस्ट्रोफी लिखा है कहाँ पे? यहाँ जो फॉर्मूला में, हाँ यहाँ ब्रैकेट आता है, हाँ देखिए यहाँ। नहीं मैं यू कह रहा हूँ, यहाँ जो अगर ब्रैकेट है तो जरूरी नहीं कि आप वैल्यू देंगे, ये खाली साइन है एक तरह का। नॉर्मली क्या है, आपको इस तरह की पैरामीटर दिखाई देंगे, पर अगर बड़े ब्रैकेट से, बड़े ब्रैकेट से अगर देगा तो क्या होगा, ब्रैकेट देंगे तो नहीं चलेगा, वो खाली साइन है इस चीज का। हाँ,
ये वो खाली साइन है इस चीज का कि बड़े ब्रैकेट का मतलब है कि आप इस वैल्यू को दें ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं ना, उसके बाद भी ये फॉर्मूला चलेगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये होता है। तो बाकी देखते हैं और एंड के यूजेज। अब हमने क्या किया कि अभी खाली एक कंडीशन इवैल्यूएट की है। अब मान लीजिए कि हमने एक इंटरव्यू रखा है, कुछ कैंडिडेट हमारे पास आए, और हमने राउंड कर दिया उनके कि पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, इस तरह से कर दिए। अब इसमें क्या किया, अलग अलग जजेस बिठा रखे हैं हमने हर एक राउंड के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि जिसने जिसके पास पास कर गया उसने वाई कर दिया, जिसके पास पास नहीं गया उसने नो कर दिया। अब बेसिकली हमारा क्राइटेरिया क्या है कि हम चाह रहे हैं कि जो कैंडिडेट तीनों में यस लिखा है, जिसमें तीनों में जिनका वाई है वही सिलेक्ट होने चाहिए। तीनों में किसी का वाई तो कर दो, ठीक है जी, बाकी कैंडिडेट को फेल कर दे। अब देखिए कंडीशन क्या बनेगी इसके लिए अगर इफ के थ्रू जाते हैं। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। इफ के थ्रू अगर जाते हैं बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। इफ हम ये चेक करेंगे, अगर ये इक्वल टू वाई है, वाई है तो क्या करेगा, वैल्यू इफ ट्रू में एक और इफ चलाएगा और चेक करेगा कि क्या ये इक्वल टू वाई है। अगर ये भी ट्रू होता है तो क्या करेगा, तीसरे में एक और इफ लगाएगा, क्या ये इक्वल टू वाई है। अगर नहीं तो रिजल्ट क्या आएगा, फेल। इस इफ को क्लोज कर देते हैं। अन्ना अगर यहां पे वाई है तो पहला जो होता है, हाँ हाँ, सिलेक्टेड और रिजेक्टेड कर देते हैं, सिलेक्टेड एंड अगला जो है रिजेक्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट इफ को क्लोज करने के लिए हमें यहां पे फिर से रिजेक्टेड देना पड़ेगा एंड अगेन लास्ट वाले इफ को क्लोज करने के लिए हमें लास्ट में फिर रिजेक्टेड देना पड़ेगा। तो इस तरह का फॉर्मूला बनेगा आपका, ठीक है जी। अब ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई। अब यहां पे हमारे पास जो है एंड काम करेगा। अब कंडीशन क्या है कि हमें तीनों में वाई चाहिए, मतलब तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो इस केस में हमारा ये क्या करता है, एंड का फॉर्मूला, हम तीनों की तीनों कंडीशन इसके अंदर दे देंगे। क्या ये इक्वल टू वाई है, क्या ये इक्वल टू वाई है, और क्या ये इक्वल टू वाई है। अब ये फॉर्मूला एंड का फॉर्मूला ट्रू जब ही रिटर्न करेगा जब तीनों कंडीशन जो है हमारी ट्रू होंगे। अगर तीनों में से एक भी फॉल्स होती है तो ये आपको फॉल्स ही रिटर्न करेगा, ठीक है जी। अब जब ये एंड ने ये रिटर्न कर दिया है तो हम इसमें सारा काम हमारा एंड ने कर दिया। अब हमें तो सीधा सिलेक्टेड रिजेक्टेड देना है इसके बेस पे,
यहाँ हमें खाली कंडीशन देनी है और ये आपका रिजल्ट सेम आ जाएगा, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन। सेकंड वाला ये समझ में नहीं आया। सेकंड वाला देखिए, इफ का फॉर्मूला जैसा कि मैंने बताया कि ट्रू फॉल्स, इसको लॉजिकल टेस्ट चाहिए ना, ट्रू फॉल्स में वैल्यू चाहिए मतलब इसको, तो ट्रू फॉल्स मैंने यहां से दिलवा दी। ठीक है, F6 आपके हैं, F6। यस दिस वन, ओके, ट्रू फॉल्स कॉमा से। हाँ, जो लॉजिकल टेस्ट क्या करता है, इसको ट्रू या फॉल्स में वैल्यू चाहिए। आप कंडीशन के थ्रू दे दें या वैसे कंडीशन के थ्रू, मैंने यहाँ पे ट्रू फॉल्स में वैल्यू लिखवा दी और इफ के फॉर्मूला से इसको असाइन कर दिया कि अगर यहाँ ट्रू है तो सिलेक्टेड दिखा दे, फॉल्स है तो रिजेक्टेड दिखा दे। ठीक है जी, कोई डाउट? और अगर नहीं समझ आ रहा तो इसको उठा के इस कंडीशन को एंड को कॉपी कर लें और यहां F6 की जगह डाल दें, ये रहा। ठीक है जी, अब आपको इसकी जरूरत नहीं, इसके ऊपर थोड़ा एक्सरसाइज दीजिए, बाद में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा। बिल्कुल, देखिए बेसिक फंक्शनैलिटी इसकी समझ लीजिए। इफ की फंक्शनैलिटी क्या है, लॉजिकल टेस्ट के ऊपर आपको ट्रू या फॉल्स में ऑप्शंस देता है, और एंड का फॉर्मूला क्या करता है, अगर आपकी कंडीशंस सारी ट्रू हैं, मतलब कि ये तीन कंडीशन अगर ट्रू हैं, तब ये एंड का फॉर्मूला ट्रू रिजल्ट रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, और इस ट्रू फॉल्स जो एंड ने रिटर्न किया है उसके बेस पे यहां से रिजल्ट उठा लेगा। ठीक है जी, अभी कंफ्यूजन है? चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, और का फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, फिर इसको कंबाइन कर देंगे एंड और कोई इकट्ठे। मान लीजिए फिर से कुछ कैंडिडेट हैं, इन्हीं को ही लगा देते हैं। अब हम इनका बना रहे हैं, मान लीजिए लाइसेंस बना रहे हैं या वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमें कोई, हमने कहा कि वोटर आईडी हो या फिर आपके पास राशन कार्ड हो या फिर एक नई कंडीशन डालते हैं हम, पैन कार्ड पे भी बना देंगे, ड्राइविंग लाइसेंस बना देंगे इनका, अगर इन तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट इनके पास होता है तो। ज्यादा हो तो कोई बात नहीं, पर कम से कम एक तो होना चाहिए। अब देखिए ये कंडीशन आ गई, अब इसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे, ओके नॉट ओके, ओके में अब वही फिर से इफ का फॉर्मूला आपको दिखाता हूं। इफ के फॉर्मूला में क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे क्या ये इक्वल टू वाई है, अगर है तो यहां कर देंगे ओके, सीधा सा है, अगर नहीं है तब इसका फॉर्मूला हमारा फॉल्स में चलेगा। क्या ये इक्वल टू वाई है, इसमें अगर यहां मिल जाता है तो यहां पे ओके कर देंगे, अगर यहां नहीं मिलता है फिर से एक फॉर्मूला दे देंगे, लास्ट कंडीशन क्या ये इक्वल टू वाई है, अगर नहीं, अगर है तो यहां ओके कर देंगे,
फॉल्स में क्या कर देंगे, अब तीनों से के फॉल्स में आ गया या नॉट ओके कर देंगे। यहाँ क्लोज हो गया, यहाँ क्लोज हो गया, यहाँ क्लोज हो गया, ठीक है जी। अभी ये समझ में आना चाहिए कहाँ कॉमा देना है, कहाँ एपोस्ट्रोफी देना है, कहाँ ब्रैकेट देना है, वो थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए मैं आपको जो मैंने पहली चीज दिखाई थी ना कि इफ का अगर आपको बीच में हमने अलग अलग फॉर्मूले लगा दिया, अब कौन सा किसका यहाँ पता ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ क्लिक कीजिए, लॉजिकल टेस्ट आपको दिख जाएगा, वैल्यू ऑफ ट्रू में क्या चला आपने देख लिया, वैल्यू ऑफ फॉल्स में क्या कर चला, ये पूरी की पूरी कंडीशन चल गई। दूसरे इसमें आ जाइए, लॉजिकल टेस्ट क्या रहा, वैल्यू ऑफ ट्रू क्या करा, वैल्यू ऑफ फॉल्स में क्या किया, तो ये इस तरह से आपको समझने में आसानी हो जाएगी ये चीज। इसको हमें यूज करना है। अभी जो एन है, हाँ जी, लास्ट में वो क्या आता है रिजल्ट, क्या चीज, अभी देखिए प्रदीप है, हाँ, वाई एन वाई, फिर भी वो क्या आता है, वाई एन वाई, प्रदीप प्रदीप प्रदीप, बिल्कुल। इसमें क्या है कि हमने मिनिमम क्राइटेरिया सर क्या निकाला है कि इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट उसके पास होना चाहिए, ज्यादा हो तो हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई ना कोई एक तो चाहिए चाहिए, ठीक है जी। इस केस में आपका और का फॉर्मूला लग जाएगा, सेम जैसे हमने एंड का लगाया था उसी तरह से और का लग जाएगा, तीनों कंडीशन इसके अंदर दे दीजिए। पर और क्या करता है, और की एक फंक्शनैलिटी है कि आपकी तीनों कंडीशन में से या आप इसके अंदर कितनी भी कंडीशंस दे सकते हैं, अगर इसके अंदर की सारी कंडीशन में से एक भी ट्रू होती है तो और जो है ट्रू ही रिटर्न करेगा, ठीक है जी। अब इसने हमारी फंक्शनैलिटी फिर से आसान कर दी, अब इसने दे दिया ट्रू फॉल्स में रिजल्ट, यहां पे इसने सही रिजल्ट दे दिए। अब इसको वैसे के वैसे ही इफ के फॉर्मूला के अंदर से हम फिर से चेक करा लेंगे, इसके अंदर ओके एंड नॉट ओके, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ठीक है जी, सेम रिजल्ट, एक करना है आपको इसी को, आप इसको यहीं से कॉपी कर लीजिए या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पर आप अभी प्रैक्टिस के लिए इनको अलग अलग लिखेंगे, फॉर्मूला को जितना तोड़ के लिखेंगे उतना आपके लिए फॉर्मूला बनाना शुरुआत में आसान रहेगा। जैसे मैं बाद में कंबाइंड कर रहा हूं, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है फॉर्मूला की, आप इस मेथड के थ्रू कितना भी बड़ा फॉर्मूला बना सकते हैं, इफ में या कोई भी फॉर्मूला, बड़े बड़े फॉर्मूले बनाएंगे, मेगा फॉर्मूला बनाएंगे, वहां यूज होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन है आपके लिए, अगर मैंने इसमें एंड यूज किया होता तो क्या होता, एंड और के बीच में एक से ज्यादा कंडीशन ट्रू होनी चाहिए थी, एंड यस, उसका मतलब था कि ये तीनों डॉक्यूमेंट जो मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे चाहिए ही चाहिए, ठीक है जी। और में क्या है, एक्सेप्शन है, कोई भी एक चलेगा, एंड में क्या है कि सारे के सारे ही चाहिए, ठीक है जी। एक छोटी सी तो दिखाएगा, यस सर, एंड के अंदर तीनों में अगर वाई हुआ तभी ओके दिखाएगा, और के अंदर तीनों में से किसी में भी एक में वाई हो जाता है तो ये ओके दिखा देगा, ठीक है जी। अब कंडीशन को थोड़ा सा और मोल्ड कर देते हैं, अब यहां पे कहते हैं कि हमें अब एंड और का कंबाइंड यूज दिखाता हूं आपको, मान लीजिए हम कोई और सरकारी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसमें क्या चाहिए हमें, आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ चाहिए,
अब ये हो गया हमारा एड्रेस प्रूफ, और यही आईडी प्रूफ में भी चल जाता। तो यहाँ पे आईडी प्रूफ, एक आईडी प्रूफ चाहिए, एक एड्रेस प्रूफ चाहिए पैन कार्ड के साथ। अब मैट्रिक मार्कशीट ये और जोड़ देते हैं। अब इनमें से हमें एक एक चाहिए, इन दोनों में से एक चाहिए, और इन दोनों में से आईडी प्रूफ में से एक चाहिए, एड्रेस प्रूफ में से एक चाहिए। ठीक है जी, अब इसको इफ में कैसे लगाएंगे, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। चार कंडीशन, क्या ये इक्वल टू वाई है? अगर है तो हमने चेक करना है क्या ये इक्वल टू वाई है। ठीक है जी, दोनों में से एक एक मिल गया तो क्या कर देंगे, ओके। फॉल्स में अगर ये दूसरा वाला वाई नहीं है तो हम फिर से एक बार चेक करेंगे क्या ये इक्वल टू वाई है। अगर है तो यहां ओके कर देंगे, अब नहीं है तो क्या करना है, हमें दूसरे वाले पे जाना है। नहीं नहीं, इसने तो अपना काम पूरा कर दिया। अभी इसने तीन को कवर किया है, अगर ये वाई नहीं होता वैल्यू एफ टू, हाँ तो इसके फॉल्स में क्या करना था हमें, क्या ये इक्वल टू वाई है। अगर यहां वाई मिल जाता फिर ये चेक करता क्या ये इक्वल टू वाई है। अगर हो जाता तो ओके, नहीं होता तो फिर एक और इफ लग जाता है क्या ये इक्वल टू वाई है। अगर हो जाता तो ओके, अदरवाइज नॉट ओके। तो ये हो गया लंबा चौड़ा फॉर्मूला। एक मिनट, अभी इसमें फॉल्स कहां से आ गया। पहला टेस्ट ये वैल्यू इफ टू, ये हो गया वैल्यू इफ फॉल्स में ये चला गया। अब इसमें जो पहली कंडीशन थी लॉजिकल टेस्ट वैल्यू इफ टू, हाँ यहां वैल्यू इफ फॉल्स नहीं दिया गया ना, अगर यहां फॉल्स होता तो क्या लेता, नॉट ओके। ठीक है जी, तो ये जहां तक है मेरा उम्मीद रही है, बहुत कंफ्यूजिंग फॉर्मूला होगा और समझ नहीं आया होगा। ठीक है जी, अब इसका आसान पार्ट क्या है, सिंपल सी चीज है, इतने बड़े फॉर्मूले पे जाने की जरूरत नहीं है। हमने क्या करना है, इसमें से एक चूज करना है, यानी कि इन पे
इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे एक और लग जाएगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे एक और लग जाएगा, और इन दोनों के और से जो रिजल्ट आ रहा है वो एक एंड में चला जाएगा। कैसे दिखाता हूं, यहां पे और के अंदर पहली ये कंडीशन लगा दी मैंने, क्या ये इक्वल टू वाई है, और दूसरी कंडीशन क्या ये इक्वल टू वाई है। ठीक है, यहां से वैल्यूएशन हो गया एक और से, अगर इन दोनों में से एक में भी यस होता तो यहां पे ट्रू दिखाएगा। ठीक है जी, अब एड्रेस प्रूफ की बारी, यहां पे भी और इसी तरह से लगा देंगे, क्या ये इक्वल टू वाई है और या ये इक्वल टू वाई है। अब देखिए और से दोनों के आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ से हमारे पास वैल्यूज आ गई, अब हमें चाहिए दोनों में अगर ट्रू हो तभी ओके होना चाहिए, अब दोनों में ट्रू हो तो ट्रू दिखाए तो हमारा एंड का फॉर्मूला काम कर जाएगा। यहां से बस इनके रेफरेंस दे दिए, क्योंकि ट्रू तो डायरेक्ट मिल ही रहा है, ट्रू फॉल्स डायरेक्ट मिल रहा है तो लॉजिकल कंडीशन की पूरी तरह से जरूरत नहीं है, तो ये लगाया हमने और इसके बेस पे आपको रिजल्ट दे देना है एफ के फॉर्मूला में। ओके, नॉट ओके, ठीक है सर, ये क्लियर है। ओके ओके, अब देखिए इस फॉर्मूला को कंबाइन कर देते हैं, अब ज्यादा बड़ा फॉर्मूला हो गया है तो सबसे पहले इसकी छोटी इकाई कार्य उठा लेते हैं जहां पे कैलकुलेशन हुई है। अब ये एंड के अंदर इन दोनों के रेफरेंस है, जब हम इसको लगाते हैं एंड के अंदर इन दोनों के रेफरेंसेज हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम, G24 पे ये है, इसको पूरा यहां तक कॉपी कर लेंगे इक्वल टू, नहीं कर सकते सर, हाँ नहीं वहां तक नहीं कर सकते, वहां से भी चल सकते हैं पर कंफ्यूजन हो जाएगी। वहां से क्या करेंगे आप, ये बार फॉर्मूला कॉपी करेंगे, अब इस फॉर्मूले के अंदर इन दोनों का रेफरेंस है तो उसके अंदर कहां कॉपी, क्योंकि ये फॉर्मूला बड़ा हो जाएगा ना फिर, तो बेटर है कि यहीं से चूज कर लें, यहां मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, अब इतने पे बड़ा हो रहा है, वहां पे जाएगा तो और बड़ा हो जाएगा फॉर्मूला, अगर बन जाए अगर ओके वाले के अंदर अच्छे से, तो हाँ उसी के अंदर, अब मैं वही बना रहा हूँ ना। अब ये देखिए यहां मैंने दूसरी वैल्यू पेस्ट कर दी, अब इसके अंदर उठा के मैं क्या करूंगा, एंड से पहले का फॉर्मूला कॉपी कर लूंगा और इसके अंदर डाल दूंगा। यहां ये डल गया, अब इनकी किसी की कोई जरूरत नहीं है मुझे, ये पूरा फॉर्मूला आपका यही बन गया। अब देखिए इस फॉर्मूले में दो चीजें हैं, अगर आप इसको कॉपी करके यहां पे पेस्ट करते हैं तो ये एरर दिखाएगा, क्योंकि एड्रेस लॉस्ट हो गए, रेफरेंस पे काम करता है, तो अगर आपने यहां कहीं दूर पे फॉर्मूला बनाया, आप चाहते हैं कि वैसा ही वर्क करे, इसके रेफरेंस लॉस्ट ना हो, तो इसको कट करके उठाएं कंट्रोल एक्स करके, तो इसमें एरर नहीं आएगी। ठीक है जी, तो आज की ये हमारी वाला? कट कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, कट करके पेस्ट करना है। ये रिपीट कर दीजिए लास्ट वाला जिसमें एरर ना, वही बता रहा हूं कि जो अगर आप इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो ये एरर आएगा, क्यों आएगा देख लीजिए, अगर मैं इसको कॉपी करके इधर पेस्ट करता हूं तो F2 दबा रहा हूं, इसके रेफरेंस देख रही है कि यहां से बदल गया है, कॉपी पेस्ट में क्या होता है कि रेफरेंस भी चलने लगते हैं साथ साथ में, पर अगर आप इसको कट करके पेस्ट करती हैं, अगर मैं यहां से कट करके पेस्ट करता हूं तो ये रेफरेंस वही के वही रहते हैं,
ठीक है जी। इस कारण से हमें जब भी करना चाहिए कट करके पेस्ट करना चाहिए फॉर्मूले में, तो आपके रेफरेंस लॉस्ट नहीं होंगे। उसमें क्या हुआ था, जब मैंने कॉपी पेस्ट किया था तो रेफरेंस आगे चले गए थे, अब आगे तो कुछ है नहीं तो एरर ही दिखाएगा। ठीक है जी, तो आज की ये क्लास थी मेरी फॉर्मूला और इंट्रोडक्शन के ऊपर, इसमें लॉजिकल फॉर्मूला भी थे। ठीक है, अभी सर इसमें एक काम कीजिए, जो आपने जिधर ओके आया है हाँ ना, तो फिजिकल जो फिगर अपना फॉर्मूला भी डाल दीजिए ना। क्या चीज आप एक अभी जो इसका जो ओके ये जो फॉर्मूला है ना, हाँ जी, वो भी हमको देखना चाहिए। ये हमको अगर दूसरा कुछ करना है तो फॉर्मूला तो हमको चाहिए। अभी इधर ओके आया है ना, ओके कैसा आया, ये फॉर्मूला की वजह से आया। ठीक है ना, फिजिकल फिगर कॉपी करके अलग से डाल दीजिए। अच्छा, ये आपको दे दूं, आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये पेज को सेव करके भेज दीजिए, हम थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। नहीं नहीं, सेव करने के बाद जो ओके है ना उसका फॉर्मूला, नॉट ओके का फॉर्मूला। कौन सा वाला, ये वाला कि ये वाला? हाँ चलेगा, दोनों दोनों। अच्छा, जो भी हम देख के सीखते हैं कैसे किया, थोड़ा हाँ वैसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वीडियो देख के प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लॉजिक डेवलप होंगे, क्योंकि इसको फॉर्मूले को आप समझ नहीं पाएंगे, वैसे ये प्रैक्टिस से समझ आएगा ना। ये जब तक अपना लॉजिक नहीं लगाते तो हम सीख नहीं पाएंगे। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए ठीक है, मैं कोई नहीं आपको मैं फाइल मेल कर दूंगा और कुछ पर ये फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि मेरा सिस्टम बंद हो गया था, तो जो मैंने कंकैटिनेशन वगैरह आगे ऑपरेटर पढ़ाए थे वो तो आपको वीडियो में ही देखने पड़ेंगे।